एनसीबी की कस्टडी से लेकर आर्थर रोड जेल तक पिछले 12 दिन से आर्यन खान ड्रग्स केस में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आर्यन की असली परेशानी अब शुरू होने जा रही है। जी हां, जेल में आर्यन को अब तक जो वक्त गुजारा है उन्होंने, सब कुछ अब बदल जाएगा। आर्यन को जेल में कैदी नंबर N956, जी हां 956 दिया गया है। आर्यन को सुबह 6 बजे उठना होगा, जेल में किस तरह से उन्हें अपना वक्त बिताना होगा, क्या उनका हाल होगा, देखिए। जी हां, आर्यन खान के लिए शाहरुख और गौरी मन में यही सोच रहे होंगे। शाहरुख खान के घर मन्नत में आर्यन खान के लिए जमानत की मन्नतें मांगी गईं, लेकिन सेशंस कोर्ट के जज ने आर्यन खान की जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया और फिर से आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पाई। आर्यन खान के लिए शाहरुख खान ने भले ही अपने होंठ सिल लिए, हर आंसू पी लिए, लेकिन वो आर्यन खान को ड्रग्स केस में जमानत दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते रहे। किसी भी कीमत पर आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए शाहरुख खान ने मुंबई के दो टॉप वकीलों को लगाया। जी हाँ, सीनियर वकील सतीश माने शिंदे से लेकर उनके भी सीनियर अमित देसाई को आर्यन की जमानत का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन वकीलों की तगड़ी जिरह में एनसीबी ने आर्यन की जमानत नहीं होने दी। आज हम आपको दिखाएंगे कि पिछले 2 दिन में आर्यन की जमानत के लिए एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों के बीच क्या बहस हुई और क्यों सेशंस कोर्ट के जज इस नतीजे पर पहुंचे कि आर्यन पर फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रखा जाए। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि 20 अक्टूबर तक यानी इन 6 दिनों में आर्यन खान के दिन जेल में कैसे कटने वाले हैं। हम आपको बता दें कि अभी तक तो आर्यन खान को आर्थर रोड जेल की क्वारंटीन सेल में रखा गया था, क्योंकि कोरोना के चलते जेल का ये नियम है, लेकिन अब उनका क्वारंटीन पीरियड खत्म हो चुका है और अब जेल में आर्यन खान को बाकी दूसरे कैदियों की तरह ही रहना होगा। सूत्रों से खबरें आ रही थी कि अभी तक आर्यन खान जेल का खाना ठीक से नहीं खा रहे थे, वो सिर्फ बिस्किट वगैरह ही ले रहे थे। बताया ये भी गया था कि आर्यन जेल का पानी भी नहीं पी रहे थे, वो अपने साथ 12 बोतल पानी लेकर गए थे, अब वो पानी भी खत्म हो रहा है। लेकिन अब आर्यन खान को फैसला सुनाने तक यानी 6 दिन और जेल में रहना होगा, तो उन्हें जेल के सारे नियम कायदे मानने पड़ेंगे। आर्यन खान को सिर्फ और सिर्फ जेल का खाना मिलेगा, जेल का ही पानी मिलेगा। जेल में आर्यन खान को क्रूज से पकड़े गए बाकी आरोपियों से अलग रखा जाएगा। कल आर्यन का आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें आर्थर रोड की साधारण बैरक में रखा जाएगा। आर्यन के नाम से जेल में पैसे जमा हो जाएंगे, जिनसे आर्यन खान कैंटीन से अपने लिए सामान खरीद सकते हैं। लेकिन आर्यन जेल में अपने घर के कपड़ों में रहेंगे, अभी आर्यन को कैदियों के कपड़े नहीं दिए जाएंगे। आर्यन को जेल में किसी भी कीमत पर सुबह 6 बजे उठना होगा और 7 बजे उन्हें जेल का नाश्ता मिलेगा, जबकि लंच 11 बजे मिलेगा। शाम का नाश्ता और डिनर शाम को 6 बजे दिया जाएगा। आर्यन को सिर्फ दोपहर में ही बैरक से बाहर निकलने की इजाजत होगी। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ चुकी है। अब अगले 5 दिन मिनिमम उनको मुंबई के आर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा। आर्थर रोड जेल के सोर्सेज से जब हमने बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि आर्यन खान काफी ज्यादा डिस्टर्ब और टेंस लग रहे हैं, वो यहाँ पर पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं है। जेल के सोर्सेज हमें बता रहे हैं क्योंकि वो पहले कभी जेल नहीं आए, तो कोई भी व्यक्ति जब जेल में पहली बार आता है तो उनको ये सारी तकलीफें से गुजरना पड़ता ही है। अब आपको बताते हैं कि आर्यन की इन तमाम मुश्किलों की घड़ी कैसे शुरू हुई, कैसे कोर्ट में आर्यन के वकीलों और एनसीबी के वकीलों के बीच तगड़ी बहस हुई। बुधवार को मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर जो बहस अधूरी रह गई थी, उसे आज पूरा होना था। कोर्ट के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। आर्यन के वकील सुबह 11 बजे से ही अदालत में थे, लेकिन एनसीबी की तरफ से पैरवी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह करीब 2 बजे पहुंचे। एएसजी अनिल सिंह ने आर्यन खान की जमानत याचिका के विरोध में दलीलें शुरू कर दी। एएसजी ने कहा, आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुए हैं और वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों एंजॉय करने जा रहे थे। आर्यन खान ने कोई पहली बार ड्रग्स नहीं लिए। रिकॉर्ड और सबूतों से पता चलता है कि वे पिछले कई सालों से नियमित रूप से प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करते रहे हैं। एएसजी ने अपनी दलील आगे बढ़ाते हुए कहा, हार्ड ड्रग का इतनी ज्यादा मात्रा में निजी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, चैट से मात्रा का अंदाजा लगाया जा सकता है।
आर्यन पेडलर कादिर और विदेशी नागरिक अजित कुमार के संपर्क में थी। विदेशी नागरिक का पता लगाने के लिए हम मंत्रालय के संपर्क में हैं। एएसजी अनिल कुमार ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कहा, ड्रग्स युवाओं को प्रभावित कर रहा है। युवा हमारे देश का भविष्य है। इसी पीढ़ी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। ये महात्मा गांधी और बुद्ध की भूमि है। जाँच अभी शुरुआती दौर में है, इसमें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा मुवक्किल ड्रग का आदि है, लेकिन कानून कहता है कि नशा करने वाले को सहानुभूति पूर्वक देखा जाना चाहिए। कृपया ध्यान रखें कि किसी की आज़ादी दांव पर है और जांच प्रभावित हुए बिना जमानत अभी भी दी जा सकती है। अमित देसाई ने कहा कि एनसीबी कह रही है कि आर्यन ने कबूल किया है कि वो अरबाज के साथ चरस लेने वाले थे, लेकिन अदालत ये भी जानती है कि चीजों को कैसे स्वीकार कराया जाता है। अमित देसाई ने कोर्ट में कहा, कानून के सामने हर कोई समान है। एक सेलिब्रिटी से ज्यादा कठोरता नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने ड्रग सेवन को स्वीकार किया तो उनका बयान देखें। ज्यादा से ज्यादा एक साल सजा हो सकती है। मुद्दा केवल आजादी का है। आर्यन अगर जमानत पर रिहा हुए तो भी जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में दो दिनों की तगड़ी बहस के बाद कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और फैसला सुनाने की तारीख 20 अक्टूबर तय कर दी। मतलब ये कि 20 अक्टूबर यानी करीब हफ्ते भर आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।